आने वाले हैं, और जैसा इलेक्शन कमीशन ने भी एक वीसी की है, तो इसी को देखते हुए अभी जो अपराधी हैं उनके ऊपर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। शस्त्र फैक्ट्री जो हमारी जैतरा थाने में पकड़ी गई है वो भी इसी क्रम में पकड़ी गई है, और साथ में ही वाहन चोरों के ऊपर में भी जो कार्रवाई की गई है, इसमें फोर व्हीलर्स वगैरह भी बरामद हुई हैं वो भी इसी क्रम में की गई है। इसके अलावा एक तीसरा जो मारहरा पुलिस ने कार्य किया है, उसमें कुछ दिन पहले एक गैंग थी जो वहाँ गोपालपुर गांव के अंदर में चोरी की नियत से, लूटपाट की नियत से वहाँ पे गए थे, और वहाँ पर फिर उनकी गांव वालों से मुठभेड़ वगैरह हुई थी। तो उसी में आज बाकी जो तीन अभियुक्त हैं जो बावरिया गैंग से संबंधित बताए जा रहे हैं, इन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। राम बाबू ये रहने वाले कासगंज के हैं, संजू ये भी ढोलना कासगंज के हैं, और मुनीश ये भी थाना ढोलना कासगंज के हैं। तीनों लोग कासगंज के हैं, और जो उस दिन भी जो अभियुक्त थे वो भी कासगंज के ही थे। तो इसमें दो तमंचा, पांच कारतूस भी बरामद इन लोगों से हुआ है, एक छुरी बरामद हुई है। तो जो उस दिन की घटना थी, उस घटना के आज जो टोटल गैंग है उसको वर्कआउट किया गया है। इसमें थाना मारा और स्वाट टीम जो है उन्होंने मिलकर काम किया है। इनको मेरे द्वारा 15,000 रुपये का रिवॉर्ड किया जा रहा है। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि जो अभियुक्त जो जिस अभियुक्त की डेथ हुई थी उस अभियुक्त का भी काफ़ी आपराधिक इतिहास था, तो इसमें भी सभी अभियुक्तों का जो आपराधिक इतिहास है इसका डिटेल जो है पूरा निकाला है। हाँ, ये बरेली से जयपुर जाने वाली जो रोडवेज की बस थी उस पर भी लूट की योजना बना रहे थे। इसके अलावा भी इनकी काफ़ी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह है।